हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में एंड भाई साहब कांड हो चुका है, अलग लेवल का कांड हो चुका है। पठान इज ऑफिशियली अनाउंस्ड अलॉन्ग विद द रिलीज डेट एंड अनाउंसमेंट टीजर। मैन, दिस इज अनबिलीवेबल। आउट ऑफ द ब्लू, अचानक से किसी को कोई खोज खबर नहीं था, किसी को कुछ हिंट नहीं था। अचानक से शाहरुख खान का ट्वीट आता है, हमको लगा चलो क्या ही होगा यार, किसी ब्रांड का कुछ होगा या फिर कुछ नॉर्मल सा ट्वीट होगा। हम देखे भाई पठान मेंशन, हमने पठान मेंशन किया, सही में नीचे देख रहे हो तो टीजर भी है। मैन, पठान टाइम स्टार्ट्स नाउ, फाइनली द बिगेस्ट अनाउंसमेंट ऑफ द ईयर इज हियर। पठान, सबको पहले स्पेलिंग देख लो, जब ट्वीट वगैरह करना तो डबल ए है, ठीक है, पठान में डबल ए, PATHAAN है पठान। एंड सोशल मीडिया राइट नाउ वुड हैव एब्सोल्युटली गॉन फॉर अ टॉस। आज जो कांड होगा, मतलब यार क्या दिन चुना अनाउंसमेंट करने का, बिना कोई प्रायर नोटिस के कुछ भी नहीं, बस अनाउंस कर दिया बिंदास। एंड दिस इज द क्रेज ऑफ पठान। पठान विल बी नेक्स्ट लेवल। और रिलीज डेट सबसे पहले अपना कैलेंडर मार्क कर, 25 जनवरी 2023, यानी कि रिपब्लिक डे के ओकेजन पे पठान निकलने वाला है। गेट रेडी टू विटनेस द बिगेस्ट कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ कमबैक। शाहरुख खान, द किंग खान, बादशाह ऑफ बॉलीवुड, विल बी बैक एंड रोरिंग वंस अगेन एंड सेटिंग द बॉक्स ऑफिस ऑन फायर, दैट इज फॉर श्योर। दिस फिल्म इज गोइंग टू बी अ किक एस। टीजर का अगर बात करें तो टीजर में सबसे पहले जॉन अब्राहम दिखाई देते हैं, उसके बाद दीपिका पादुकोण भी रहती है। शाहरुख खान का वो पूरा ब्लर किया हुआ रहता है, वहां से उनका वॉकिंग स्टाइल फैंटास्टिक। मैन, लंबे लंबे बाल, पूरा फेस तो रिवील नहीं होता है, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा उसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा। भाई 3 साल से वेट कर रहे हैं, 3 साल नहीं, 3 साल 2 महीने 10 दिन से इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा और कर लेंगे। अभी बहुत लंबा समय है, अभी वैसे देखा जाए तो 11 महीने लगभग है इस फिल्म को रिलीज होने में, लेकिन भाई अनाउंस हो गया, इतना ही बहुत है फिलहाल के लिए। अनाउंसमेंट से काम चला लेते हैं हम लोग। एंड 25 जनवरी को फाइनली अब रिलीज होने वाला है पठान। उसके बाद दीपिका पादुकोण आती है और सेटअप किया जाता है, एक तरह से माहौल बनाया जाता है कि क्या क्या होने वाला है उसमें। जॉन अब्राहम बताते हैं कि उसका ना कोई धर्म था, ना कोई जात थी, इनफैक्ट उसका कोई नाम भी रखने वाला नहीं था, इसलिए उसने अपने देश को ही अपना आइडेंटिटी बना लिया उसकी रक्षा में। एंड वहां से शाहरुख खान चलते हुए आते हैं लंबे लंबे बालों में। अभी हम सब ने देखा था कुछ दिन पहले कि थम्स अप का एड ने किस तरह का बवाल मचाया था। मतलब हम, शाहरुख खान पे कोई भी वीडियो नहीं था मेरे चैनल में, बट वो पहला वीडियो था। हम बोले थे कि अनाउंसमेंट होगा तभी पहला वीडियो बनेगा, लेकिन चलो आज दूसरा वीडियो तो फाइनली अनाउंसमेंट पे ही बन रहा है मेरे चैनल पे। एंड एक्साइटमेंट, क्रेज मेरा किस लेवल पे है, जो खुशी है मेरा ठिकाना नहीं है उसका, 7वें आसमान पे है। हमको कुछ भी एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, एब्सोल्यूट गूज बम्प्स। अब देखते हैं, बहुत लोग, देखो यार शाहरुख खान को लेके बहुत सारे नेगेटिविटी भी है, बहुत सारा लोग पॉजिटिविटी भी है, सब कुछ मिला जुला के चलता है। और वो बंदा रूल करते आ रहा है उस समय से, वो अभी भी करेगा। 1, 2, 4 फिल्में अगर खराब हो जाती हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग बोलते हैं कि यार शाहरुख खान का दिन चला गया, शाहरुख खान का दिन चला गया। दिन और रात दूसरे स्टार्स के होते होंगे, शाहरुख खान का जमाना होता है, और उसको जमाना ही बोलेंगे अगर कोई सिंगल हैंडेडली इतने 20-25 साल से रूल करता है। और बॉक्स ऑफिस तो क्या होगा इंडिया में और ओवरसीज, मतलब ओवरसीज जो कांड करेगा ना पठान, क्योंकि ओवरसीज के किंग है शाहरुख खान। 25 जनवरी 2023 फिल्म आ रही है थिएटर्स में, हिंदी, तमिल, तेलुगु, प्रॉपर पैन इंडिया रिलीज होगा एंड कांड मचाएगा। क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं वायरल सारे फिल्मों के साथ यही कर रहा है, पृथ्वीराज हो, चाहे शमशेरा हो, टाइगर 3 भी आएगी तो हिंदी, तमिल, तेलुगु में आएगी, उसका भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगा। क्योंकि टाइगर 3 एंड पठान आर 2 ऑफ द बिग टिकट्स, सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होगा बॉलीवुड का, और 2023 में दोनों जब आएगा अलग लेवल का कांड मचा देगा। भाई कितने एक्साइटेड हो पठान को लेकर। फाइनली द किंग खान SRK इज बैक। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। वीडियो पसंद आया दबा के शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन दबा देना। और कुछ बात करनी, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।